आज निगदू के एंथम इंटरनेशनल स्कूल में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज गौतम के जन्म दिवस के अवसर पर स्कूल के बच्चों ने 46 पौधे लगाए, वहीं इनकी देखरेख की संकल्प भी किया। विद्यालय के चेयरमैन एसपी चौहान व डायरेक्टर वीणा खेत्रपाल ने इस अवसर पर त्रिवेणी लगाकर वन महोत्सव का श्री गणेश किया। एंथम स्कूल के बच्चों ने अनुकरणीय पहल की व स्कूली बच्चों ने आओ पेड़ लगाए हम गीत भी प्रस्तुत किया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, निश्चित तौर पे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका आशीर्वाद और आप सबका स्नेह और सम्मान मेरे आगामी दिनों को, मेरे जीवन की दिनचर्या को, मेरे चरित्र को, मेरे व्यवहार को कहीं ना कहीं डिजाइन करता है, निर्देशित करता है, एक सीमाओं में बांधता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम जूझ रहे हैं आजकल। 1947 में देश आजाद हुआ, हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी और हमें आजादी मिल गई। वास्तव में आज हमें एक और आजादी की जरूरत है, एक वैसी आजादी की लड़ाई की जरूरत है, आजादी ग्लोबल वार्मिंग से, आजादी इस बढ़ते तापमान से और वातावरणीय विषमताओं के कारण उत्पन्न हो रही बीमारियों से, आजादी कम होती वर्षा से, और इन सारी चीजों के कारण जो दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उन सबसे आजादी की जरूरत है। और हमारी संस्कृति पेड़ का हिस्सा रही है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पीपल हूं, बार बार पेड़ का जिक्र आता है, नमंती फलिनो वृक्षा। कितने कोई भी तो ऐसा हमारा धर्म शास्त्र नहीं है जहां पर पेड़ का जिक्र नहीं हो। हमारी संस्कृति में पेड़ है, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हमारे हर त्योहार से पेड़ जुड़े हुए हैं, हर भगवान से पेड़ जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसे देश में जिसकी संस्कृति की जड़ में पेड़ हो, जिसकी संस्कृति की आत्मा में पेड़ हो, वहां पेड़ ना लगाए जाए। वहां पेड़ों के कम होने की वजह से तापमान बढ़ जाए, वहां वर्षा ना हो, वहां बीमारियां हो, हम सबके लिए एक चेतावनी है और चेतावनी पूरे मानव के अस्तित्व के लिए चेतावनी है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो कहते हैं उसके प्राण निकल गए। प्राण क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बनाया नहीं जा सकता, केमिस्ट्री वाले लोग शायद इस बात पे प्रश्न खड़ा करेंगे, ऑक्सीजन बनाई जा सकती है लेकिन वो इतनी महंगी पड़ती है और वो व्यवहारिक नहीं है। जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं बनाई जा सकती, और इतनी कीमती है प्राणवायु कि एक प्राण भी हम फालतू नहीं ले सकते जब प्राण निकल जाते हैं। उस ऑक्सीजन का, उस प्राणवायु का बनाने का एकमात्र विकल्प हमारे पास पेड़ है, और हमसे मूर्ख क्या कोई हो सकता है कि हम पेड़ ही ना लगा रहे। हम जीवन के अस्तित्व के सामने खड़े इस विकट संकट को इतने हल्के में ले रहे हैं कि आने वाले पीढ़ियों के लिए प्राणवायु ही नहीं बचेगी, ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी। क्या हम जवाब दे पाएंगे उनको? पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा भी कम होगी तो पानी भी नहीं बचेगा। तो आज जन्मदिन से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक संस्कार आप लोगों में डालने चाहते हैं कि अपने हर जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ तो आप जरूर लगाएं, हो सके तो उतने लगाएं कि जितने वो आपका जन्मदिन है, लेकिन कम से कम एक पेड़ आप जरूर लगाएं। और उसकी शुरुआत माननीय चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में, जैसे जिस तरह से उनके साथ विचार विमर्श होता है, उन्होंने मुझे सिखाया, जिस तरह के संस्कार पिछले 20 सालों से उन्होंने मेरे अंदर डाले हैं, मैडम वीणा खेत्रपाल एक माँ की तरह बिल्कुल लगातार मुझे जो सिखाते रहते हैं, और जो मेरे मित्र यहाँ पर बैठे हैं, नरेश बराना जी हैं, राजीव मल्होत्रा जी हैं, बेदी साहब हैं, इन सब लोगों का ये विचार था। मुझे कुछ नहीं पता था वास्तव में, इन लोगों ने मुझे सिखाया, और आज इस मंच से आप सब ईश्वर का रूप हो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मैं इन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात बताई और मैंने इस विचार को बड़े तीव्रता से इसको जीवन में उतारने का प्रयास किया कि जब मैं स्वयं अपने जन्मदिन पर पेड़ लगा पाऊं उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप पेड़ लगाइए। इससे पहले अगर मैं आपको कहूं कि पेड़ लगाइए तो मुझे लगता है वो एक सिर्फ जंगल में शोर मचाने के सिवाय कुछ नहीं होता।
आज मैं पेड़ लगाऊंगा, आप सब मेरे साथ पेड़ लगाएंगे, और जैसा कि हमारे जो लीडर्स क्लब के बच्चे हैं उन्होंने वादा किया है कि वो 46 पौधे जो वो लगाएंगे उनका वो संरक्षण भी करेंगे, उनकी देखरेख भी करेंगे साल भर। तो महत्व इस बात का है कि आज हम समाज में एक नई परंपरा डालने जा रहे हैं कि चाहे जन्मदिन हो, चाहे परिवार में किसी का विवाह हो, चाहे परिवार में और खुशी की बात हो, और खासतौर पर जो टीचर्स मेरे साथ खड़े हैं कि जन्मदिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जो हम भूल जाते हैं प्राणा जी, कि जब हम ग्रेजुएट होते हैं वो लाइफ का बहुत बड़ा दिन होता है। एक क्लास आदमी की बदल जाती है, एक कैटेगरी बदल जाती है, एक वर्ग हमारा चेंज हो जाता है। आज भी हमारे देश में सिर्फ 17% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं। तो हम उस दिन को भी याद रखें और उस दिन भी पेड़ लगाएं जिस दिन हम ग्रेजुएट हुए हैं, जिस दिन आपने 10th की है। कितने महत्वपूर्ण दिन नहीं है वो आपका जीवन में, जिस दिन आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, अच्छे अंकों से कर ली, क्या वो महत्वपूर्ण दिन नहीं है? हमें याद रखना चाहिए वो जन्मदिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। जीवन में एक नया अध्याय जुड़ता है, एक नई दिशा मिलती है। जिस दिन हम प्लस टू करते हैं अच्छे नंबरों से, उस दिन को भी याद रखिए, उस दिन भी पेड़ लगाइए। जिस दिन आप ग्रेजुएशन कर लेते हो उस दिन भी पेड़ लगाइए। जिस दिन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हो उस दिन को भी याद रखिए, उस दिन भी पेड़ लगाइए। तो हमारे पास कारण तो बहुत सारे हैं, प्रेरणा धर्म की भी है, कानून की भी है, समाज की भी है, फिर लगा क्यों नहीं रहे हैं? आज इस बात पे विचार करने का दिन है।